Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. I am Asya Jaffer and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss economic deprivation of Muslims in India, yani ke Muslimanon ki India mein maashi mehroomi. Students, in previous lecture we have discussed its background. ठीक है, हमने previous lecture में देखा था कि मुसलमानों को जो माशी तौर पे महरूम किया जा रहा था उसकी basic reason क्या थी, उसका background क्या था. तो उसका बैकग्राउंड ये था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो इसका बैकग्राउंड था. ठीक है स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टू पॉइंट्स. ठीक है, हमने देखा था कि मुसलमानों को किस तरह से माशी तौर पर महरूम किया जा रहा है. हमने इन दो पॉइंट्स को डिस्कस किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस दीज थ्री पॉइंट्स. दीज आर हर्डल इन बिजनेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड क्राइसिस इन ट्रेड. एंड प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड बैनर्ड गवर्नमेंट जॉब्स एंड डैमेज टू एग्रीकल्चर. ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इन तीनों को डिस्कस करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज दैट हर्डल्स इन बिजनेस. देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ तो मुसलमानों से गवर्नमेंट जॉब ले ली गई. ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पे बैन किया गया उनके लिए, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती थी. और उनके जो एग्रीकल्चर को तबाह किया गया, उनके प्रोफेशन को तबाह किया गया, उनसे ज़मीनें जब्त कर ली गई और उनसे ज़मीनें जब्त करके नॉन मुस्लिम को स्पेशली हिंदुओं के हैंड ओवर की गई. इससे क्या हुआ कि मुसलमानों का जो सारा कारोबार था वो तबाह हो गया और हिंदुओं को और सारी ज़मीनें हिंदुओं के कब्ज़े में आ गई. वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए, मुसलमान जो इकोनॉमिकली वीक हो गए. तो जब मुसलमानों को एक तरफ से ना तो गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही थी और ना ही उनकी ज़मीनें रही थी, तो फिर उन्होंने मुसलमानों ने क्या किया, उन्होंने छोटे मोटा कारोबार करना शुरू कर दिया. जब मुसलमानों ने ऐसा किया तो फिर क्या हुआ, बिजनेस ऑफ मुस्लिम्स वर रूइंड. मुसलमानों के बिजनेस को तबाह कर दिया गया एंड प्रिविलेजेस गिवन टू हिंदूज, और हिंदुओं को रायतें दी गई, सहूलतें दी गई. मुसलमानों के कारोबार को तबाह कर दिया गया और हिंदुओं को सहूलतें दी गई. वो कैसे के वो इस तरह से कि मुसलमानों पर टैक्सेस लागू कर दिए गए और हिंदुओं पे कोई टैक्स लागू नहीं किया गया. देखिए स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ है उसको दो डिफरेंट लोग उस चीज़ को बना रहे हैं. ठीक है, दो लोग उस चीज़ को बना रहे हैं. तो अगर एक को गवर्नमेंट ये कहे कि तुमने, अगर वो सपोज़ 100 रुपीज़ की चीज़ बना रहे हैं और गवर्नमेंट कहे कि तुमने इस पर 10 रुपीज़ टैक्स देना है, तो वो उस चीज़ उसको पड़ गई 110 की. और दूसरी तरफ जो बंदा है वो भी 100 की ही चीज़ बना रहा है और उसे हुकूमत कह रही है कि तुम्हें 10% कंसेशन मिलेगा, तो 100 की जो चीज़ है तुम्हें 90 में मिलेगी और 10 रुपीज़ तुम्हें वापस मिल जाएंगे. तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि जो जो चीज़ 110 की चीज़ सेल करेगा वो उससे कम करेगा तो उसका नुकसान होगा, और जो 100 वाली चीज़ जो जिसको 90 में पड़ी है अगर वो 100 में भी करेगा तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, उसको उस चीज़ का प्रॉफिट होगा. और जो कम कीमत वाली चीज़ें हैं वो तो वैसे भी ज़्यादा सेल होती हैं, लोग उसी को प्रेफर करते हैं. और मुसलमानों के साथ भी इसी तरह हुआ था कि मुसलमानों का जो मुसलमानों के कारोबार पे जो भी चीज़ें वो बनाते थे उन पे टैक्सेस लागू किए जाते थे, और हिंदुओं पे और दूसरे नेशंस भी कोई भी टैक्स लागू नहीं किया जाता था. इसलिए मुसलमानों का जो कारोबार था वो सारा तबाह हो गया और हिंदुओं की ज़्यादादारी हो गई, हिंदुओं का हर चीज़ पर कब्ज़ा हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और तब क्या हुआ था कि बरतानिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था. बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स वर प्रिपेयर्ड, के इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स थी वो बेटर और चीपेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार की जाती थी. देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मशीनरी में प्रोडक्ट्स बनती हैं वो एक तो जल्दी बन जाती हैं, ठीक है, अच्छी बनती हैं और सस्ती होती हैं, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ज़्यादा बनने की वजह से वो प्रोडक्ट जो होती है वो चीपर होती हैं. और जब ऐसा हुआ तो ब्रिटिश ने बरतानिया से चीज़ ला कर यहाँ पर सेल करना शुरू कर दी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री और जो मुसलमानों की घरेलू सनत थी वो तबाह हो गई, क्योंकि जो ब्रिटिश ने बरतानिया से चीज़ें ला कर बेचना शुरू कर दी वो चीज़ें अच्छी भी थी, मशीनरी पर बनाई गई थी और वो सस्ती भी थी, उनकी मांग ज़्यादा हो गई. और जो घरेलू सनत थी मुसलमानों की वो हैंडमेड चीज़ें थी, उनकी फिर इतनी उन लोगों ने उन चीज़ों को इतना प्रेफर नहीं किया. तो इस तरह से भी मुसलमानों की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. एंड लास्ट पॉइंट इसमें है क्राइसिस इन ट्रेड. और इसी वजह से जब मुसलमानों की घरेलू इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई,
ब्रिटिश ने या बाहर से चीज़ें ला के वो बेचना शुरू कर दी, तो इसी वजह से क्राइसिस इन ट्रेड, तजारत का बहरान हुआ, इम्पोर्ट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इम्पोर्ट्स मीन दरामदात, बाहर से ज़्यादा चीज़ें आनी शुरू हो गई, इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो गई और एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गई, और इस वजह से जब इम्पोर्ट इंक्रीज हुई एक्सपोर्ट डिक्रीज हुई तो फिर क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जब बाहर से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें बन के नहीं जा रही, तो फिर वो ऑब्वियसली वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, उनके उनका जो वो बेरोज़गारी हो जाएगी। यही चीज़ें थी जो ब्रिटिश ने जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया, उन्होंने मुसलमानों को हर तरह से टारगेट करने की कोशिश की, उनसे गवर्नमेंट जॉब्स छीन ली, उनसे ज़मीनें जब्त कर लीं, उन पर टैक्सेस लागू कर दिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ले आए वो लोग, और उन पे जो उनकी ट्रेड थी उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था कि ब्रिटिश ने किस तरह से मुसलमानों को इकोनॉमिकली डिप्राइव किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।